हाय स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद अनदर लेसन इन मैथ्स। अब अभी इससे पहले हम लोगों ने जो है प्लेस वैल्यू वगैरह की तो प्रैक्टिस कर ही लेती है यहाँ पर, है कि नहीं? और प्लेस वैल्यू के आधार पर कैसे जो है हम एक्सपेंडेड नोटेशंस में लिख सकते हैं, राइट? जैसे कि 7296 था, तो हमने क्या किया, इसको प्लेस की वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया, राइट? वंस की जगह पर 6, टेंस की जगह पर 9, 100 की जगह पर 2 और 1000 की जगह पर 7। फिर जो है हमने सबके प्लेस वैल्यू को जो है एक साथ लिख दिया बीच में प्लस का साइन देते हुए। यही किया हमने। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी कैसे करना है ये भी आप लोगों को बता दिया गया था, राइट? आप लोगों ने ये पूरा कर लिया था कि नहीं? आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट, यहाँ पर कि हम जो है एक्सपेंडेड नोटेशन और शॉर्ट फॉर्म दोनों में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब पहला जो है वो एक्सपेंडेड नोटेशन क्या है कि मान लीजिए कि आपको ये नंबर दिया गया, राइट? 6424। पहले क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू के आधार पर राइट से लेफ्ट गिनना शुरू करो। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये हुआ ना? तो ये नंबर क्या होगा पता है पूरा? 6424, राइट? तो हमने इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। इधर 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 4 क्या है ये? 6 की प्लेस वैल्यू 6000, 4 की प्लेस वैल्यू चूंकि 100 के प्लेस पर है तो 400, 2 की प्लेस वैल्यू चूंकि 2 टेंस के प्लेस पर है तो 20 हो गई, और 4 की प्लेस वैल्यू चूंकि ये वंस की जगह पर है तो 4 ही रह गई, राइट? इसी प्लेस वैल्यू को आप नाम के साथ भी लिख सकते हैं कि 6 जो है 1000 हो गया, 4 जो है वो 100 हो गया, राइट? 2 जो है वो टेंस हो गया और 4 जो है वो वंस हो गया, समझ गए? नेक्स्ट वो करना है आपको, राइट? 1924। फिर से आप इसका जो है प्लेस वैल्यू देख लो आप, वंस, टेंस, राइट? तो ओ टेंस का क्या होता है? टी, राइट? फिर 100 के प्लेस पर 9 है तो 100 और 1000 की जगह पर जो है, थाउजेंड जगह पर क्या, थाउजेंड का क्या है एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म? टी एच, ठीक है? टी एच लिखा आपने तो थाउजेंड हो गया, एच लिखा तो आपने 100 हो गया, टी लिखा तो टेंस हो गया और वो लिख दिया तो वंस हो गया। तो अब देखो वंस की जगह पर कितना है, 4 है, तो पहले मैं इधर 4 को डालूंगा। फिर टेंस की जगह पर कितना है, 2 है, तो इधर मैं अब 2 को डाल दूंगा। 100 की जगह पर कितना है, 9, तो 9 को डालते हैं। और 1000 जगह पर कितना है, 1, तो लेट मी पुट 1 राइट हियर, ओके? अगर इसी को आप प्रॉपरली अगर लिखना है आपको तो 1 किस प्लेस पर है, देखो 1000 के प्लेस पर है तो TH वाले में क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे। 9 जो है वो 100 के प्लेस पर है ना, 1s, 10s, 100, 900 के प्लेस पर है तो H वाले में 9 डाल दो आप। फिर 10s वाले प्लेस पर कौन है, 2 है, तो टेंस वाले में 2 डाल दो आप। और वंस वाले की जगह पर कितना है, 4 है, तो वंस में आप 4 डाल दो। जॉब डन, राइट? इस तरीके से आप बाकी पूरा कर लोगे। अब अगला क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या हो गया, बेसिकली जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका उल्टा कर दो। अगर मान लो कि यहां पर 1000 डालना होगा आपको, 9 के आगे 00 डालना होगा हमको और 2 के आगे जो है सिंगल 0 प्लेस वैल्यू के आधार पर, सॉरी आगे चला गया। तो इस तरीके से अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है 1000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो गया, ये 1924, तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। तो अब क्या करना है कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया, आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है? तो वंस के प्लेस पर सबसे पहले क्या करना है हमको, देखो वंस के प्लेस पर कितना है, 4 है, तो 4 आ गया इधर। फिर टेंस की जगह पर कितना है, 50 है ना, तो मतलब टेंस के प्लेस पर 5 हो गया, इधर है टेंस के प्लेस पर 5, बिल्कुल सही है। फिर 100 की जगह पर कितना है, 4, 400 है ना, तो मतलब 100 की जगह पर 4 चाहिए हमको, 4 मौजूद है यहाँ पर, राइट? फिर 1000 की जगह पर भी 4 है तो 4 यहाँ पर भी हम दे देंगे, 4454, डन। इस तरीके से मान लो अगर सेकेंड वाले को करना है, राइट? तो सेकेंड वाले को करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे पास वंस के प्लेस पर कितना है, 2 है, लेट मी पुट 2 हियर, ओके सॉरी फॉरगेट माई राइटिंग, इट्स 2, अच्छी राइटिंग में आप लिख लेना, ओके? फिर 30, तो मतलब कि टेंस के प्लेस पर 3 है, तो चलो लेट मी राइट अ 3 हियर। फिर 500, तो मतलब 100 की जगह पर कितना है, 5 है ना,
तो तीसरे जगह पर जो है 5, फिर 1000 के प्लेस पर कितना है 2 है, क्योंकि 2000 है ना, तो मतलब 1000 की जगह पर 2 है, तो लेट मी पुट 2 हियर, तो 2532। 2 के बाद जो है आप एक कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी सबको भी आप जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे, गुड। वही एक्टिविटी फिर से आपके पास है, आपको जो है प्लेस वैल्यू दे दिया गया है, इसका न्यूमरल लिखना है आपको। तो जैसे कि 1000 की जगह पर 2 है, 100 की जगह पर 3 है, 10 की जगह पर 4 है और 1s की जगह पर 0 है, तो क्या हो जाएगा 2340। 1s की जगह पर पहले 0 डाल दो, 10s की जगह पर 4 डालो, 100 की जगह पर 3 डालो और 1000 की जगह पर 2 डाल दो, जॉब हो गया आपका। या फिर नेक्स्ट वाले को ही अगर ले लो आप, तो नेक्स्ट वाले का क्या सीन है, 5421 1s की जगह पर कितना है 1 है, तो 1 डाल दिया इधर हमने। 10s के प्लेस पर कितना है 2 है, तो लेट अस पुट 2 हियर, ओके। फिर 100 के प्लेस पर कितना है, 100 के प्लेस पर 4 है, तो लेट अस पुट 4 हियर। फिर 1000 के प्लेस पर 5 है, तो लेट अस पुट 5 हियर, राइट, 5421, डन। इसी तरीके का काम इधर भी है, यहाँ मान लिया हमको सिंबल में दे दिया गया था, यहाँ पर नाम लिख के दे दिया गया है 5200 410 6 1s, ओके चलो 6 1s है, तो 1s की जगह पर पहले 6 डाल दो आप। फिर 10s की जगह पर कितना है 4 10s है ना, तो 10 के प्लेस पर आप जो है 10s के प्लेस पर 4 लिख दो, सॉरी ओके। फिर 100s के प्लेस पर कितना है 200s है ना, तो 100 के प्लेस पर 2 डाल दो, ठीक है। फिर 1000 के प्लेस पर कितना है, 1000s में 5 है ना, तो 5 डाल दो इधर, राइट, तो 5246 हो गया। ऐसे करके आप बाकी को भी पूरा कर लोगे, गुड। तो इस तरीके से जो है आप ये पूरा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लेंगे, आई थिंक इट शुड बी प्रिटी इजी फॉर यू गाइस, राइट। और अगले क्लास में हम लोग फिर जो है नंबर लाइन का भी देख लेंगे, नहीं तो आप चाहो तो नंबर लाइन यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, बट चलो ठीक है, इसको अगले क्लास के लिए रखते हैं, ओके, बाय बाय।